दोस्तों यार इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार इंस्टाग्राम पर एक बार विजिट जरूर करिए, जाकर देखिए कि यार हमने हिंदी में साउंड टेस्ट डाला है या नहीं डाला है। अगर डाला होगा तो जरूर से हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। बेस बहुत खतरनाक है। बफरिंग मेन टाइम में बफरिंग क्यों नहीं है? अब दोस्तों इसके बेस को टेस्ट कर लेते हैं डिटेल पे। सो हम इसके सबवूफर को अपने टेबल के नीचे डाल के देखेंगे। सो मैं प्ले कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं सैमसंग के साउंड बार का डिटेल पे साउंड टेस्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देता हूँ। इसका मॉडल नंबर है सैमसंग T42E एंड दोस्तों ये 2.1 साउंड बार है। हमें साउंड बार भी मिलता है एंड एक सबवूफर मिलता है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सबको बताया यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। एंड दोस्तों अभी इस मॉडल का करंट प्राइस चल रहा है 6999 रुपीस। वैसे दोस्तों प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस मॉडल का परचेज लिंक दे दूंगा। अगर आपको परचेज करना होगा या लेटेस्ट प्राइस जानना होगा तो जरूर से आप देख लीजिएगा कि यार अभी इसका लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है। एंड अगर आपको परचेज करना होगा तो परचेज भी कर लीजिएगा। दोस्तों आज का जो साउंड टेस्ट है ये काफी बढ़िया होने वाला है मेरे हिसाब से। आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि यार आपको ये वाला साउंड टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों इस साउंड टेस्ट पर हम इस मॉडल का डिटेल पे साउंड टेस्ट करने वाले हैं। हम इसका इंडोर पे भी साउंड टेस्ट करेंगे। हम इसको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करके भी मतलब देखेंगे कि यार साउंड क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिल रही है। एंड दोस्तों हम इसका आउटडोर पे भी साउंड टेस्ट करेंगे, साथ में हम इसका बेस टेस्ट भी करेंगे डिटेल पे। सो वीडियो काफी लंबी होने वाली है, आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखना है, तभी आपको इस मॉडल की डिटेल पे इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि यार एक्चुअल में इसका जो साउंड परफॉर्मेंस है वो कितना बढ़िया हमें मिल जाता है। एंड दोस्तों इससे पहले हमने सैमसंग T45E की भी वीडियो आपको दे दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों उस साउंड बार पर हमें वायरलेस सबवूफर मिल जाता है जबकि हमें इस पर वाइड सबवूफर मिलता है। सो यार बातें बहुत ज्यादा हो गई है, अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आपको इसका इंडोर साउंड टेस्ट डिटेल पे दे देते हैं। सो प्लीज आप अपने हेडफोन्स का यूज करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। देख लीजिए हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया है। आई होप दोस्तों आपको अभी तक साउंड टेस्ट पसंद आ रहा होगा। अब दोस्तों इसके बेस को टेस्ट कर लेते हैं डिटेल पे। सो हम इसके सबवूफर को अपने टेबल के नीचे डाल के देखेंगे एंड देखेंगे कि यार बेस क्वालिटी कितनी इनहेंस हमें मिल रही है। सो हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर ही रखा है। सो मैं आपके सामने लाइव ही प्ले करूंगा एंड लाइव प्ले करके ही दोस्तों मैं इसे टेबल के नीचे डालूंगा।
सो मैं प्ले कर रहा हूं। मतलब नीचे डाल के तो ऐसा हो रहा है ना खतरनाक वाला। यहाँ को भी आ रहा था अंदर यहाँ भी आ रहा है। अच्छा यार है हार्ट थंपिंग बेस इसका। चलिए दोस्तों अब अपने साउंड बार को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं थ्रू ऑप्टिकल केबल, क्योंकि आप सबको पता है इसमें HDMI ARC का पोर्ट तो हमें नहीं मिलता है। तो दोस्तों देखते हैं यार ऑप्टिकल के थ्रू कितनी बढ़िया हमें साउंड क्वालिटी मिलती है। अगर आप टीवी वॉचिंग के लिए इस मॉडल को परचेज करते हैं तो ये सही है या नहीं है, सो वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ मूवीज के ट्रेलर इस पे प्ले कर देता हूँ। दोस्तों आपको अभी तक साउंड टेस्ट पसंद आ रहा होगा, तो हम इसका आउटडोर पे साउंड परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि यार इस पर हमें लाउडनेस कितनी बढ़िया मिल जाती है। सो दोस्तों हम इसका आउटडोर पे अभी डिटेल पे साउंड टेस्ट करेंगे, सो आप प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करेगा तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। एंड दोस्तों हमने दो कैमरे सेट करे हैं, एक कैमरा जिससे आप अभी मुझे देख रहे हैं एंड दोस्तों दूसरा कैमरा हमने थोड़े डिस्टेंस में रखा है, तो हम वहां पे जाके देखेंगे एंड देखेंगे कि यार लाउडनेस कितनी बढ़िया हमें मिलती है। सो मैं आपके सामने लाइव ही प्ले कर लेता हूं। हमने अपना फोन ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर ही रखा है, देख लीजिए दोस्तों हमने प्ले कर दिया है। दोस्तों कैसा लगा आपको इस साउंड बार का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सो मुझे जरूर से कमेंट करके बताएगा कि यार आपको ये वाले साउंड बार का साउंड कैसा लगा। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके इंडोर साउंड टेस्ट परफॉर्मेंस की, तो दोस्तों यार मुझे डिसेंट लगा है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार बहुत ही बढ़िया है। अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि यार आप इस मॉडल को परचेज करिए, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक डिसेंट साउंड परफॉर्मेंस हमें म्यूजिक सुनने में इस पे मिलता है। आपको वोकल्स की कमी लगेगी एंड आपको इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी पे भी कमी लगेगी जरूर, मतलब जितना मुझे लगा है उस हिसाब से आपको जरूर लगेगी। बट दोस्तों बेस क्वालिटी तो यार इसकी
तगड़ी है। मतलब मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कहूँगा कि यार इसकी बेस में मजा नहीं है, थंपिंग इफेक्ट नहीं है, बेस क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपको इस पर देख लीजिए, सबसे पहली चीज़ इस पर हमें बेस कंट्रोलर मिल जाता है। एंड दोस्तों दूसरी चीज़, इसके सबवूफर की भी वॉल्यूम को हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो यार ये बड़ा प्लस पॉइंट है। एंड यार बेस क्वालिटी सीरियसली मतलब दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। मतलब अभी हमने JBL मूवी बार 80 पे भी वीडियो बना दी है दोस्तों, यार उसकी जो मतलब बेस क्वालिटी ना, वो हार्ड थंपिंग हमें नहीं मिलती है। यहाँ पे अगर आप बेस लवर है ना, तो आप इस मॉडल को कंसीडर कर सकते हैं, आपको काफी बढ़िया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साथ में डॉल्बी डिजिटल एंड DTS दोनों का सपोर्ट हमें इस साउंड बार पर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों टीवी के साथ कैसा एक्सपीरियंस हमें इस मॉडल पर मिलता है। दोस्तों टीवी वॉचिंग के लिए बहुत बेटर है, मतलब यार आपको PVR वाला एक्सपीरियंस इस साउंड बार पर मिल जाएगा। दोस्तों हमने Amazon प्राइम पे वीडियोस देखी, इस पे मूवीज देखी, काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस मिल रहा था, बेस क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिल रही थी, एंड जो डायलॉग्स की क्लियरिटी थी ना, वो एक्सपीरियंस करा रही थी कि हाँ एक PVR में जैसा मूवी वॉचिंग में हमें मिलता है, वही फील हमें इस साउंड बार पर मिल रहा था। क्योंकि दोस्तों मैंने तो आपको ट्रेलर प्ले करके दिखाए, बट दोस्तों हमने बहुत सारी मूवी इस साउंड बार के साथ अपने टीवी को कनेक्ट करके देखी, जो एक्सपीरियंस मिल रहा था ना दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया मिल रहा था। अगर आप टीवी वॉचिंग के लिए इस साउंड बार को परचेस करने की सोच रहे ना, तो ज़रूर से परचेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कोई भी कमी नहीं मिलने वाली है। ये टू बी ऑनेस्ट आंसर है, एंड दोस्तों बहुत डिटेल में टेस्ट करने के बाद ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी आउटडोर साउंड परफॉर्मेंस की। दोस्तों आउटडोर साउंड परफॉर्मेंस में मुझे ये बढ़िया लगा है, मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार बहुत ज्यादा बेटर है, एंड ऐसा भी नहीं कहूंगा कि यार ये बहुत मतलब बेकार इसका साउंड एक्सपीरियंस है। दोस्तों डिसेंट है, मतलब अगर आपके घर में छोटा मोटा गेट टुगेदर है, आप इस सिस्टम को आउटडोर में भी यूज कर सकते हैं। मतलब बेस क्वालिटी आपको आउटडोर में भी काफी बढ़िया मिलने वाली है, बट हाँ ये है कि लाउडनेस में आपको थोड़ी कमी मिलेगी जरूर, इतना मतलब मुझे लाइव एक्सपीरियंस हुआ है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। हाँ आप ये है कि आउटडोर में भी इस मॉडल को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यार ये सारी चीजें थी जो मुझे लाइव एक्सपीरियंस हुई है, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, क्योंकि दोस्तों हमें लगा कि यार एक ही साउंड टेस्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर करने चाहिए। सो आप बताइएगा कि यार दोस्तों इस तरीके से साउंड टेस्ट आपको कैसा लग रहा है, एंड अगर कोई कमी हो रही है तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि यार हम क्या चीज इसमें और इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया था कि यार कनेक्टिविटी में तो थोड़ी हमें कमी मिल जाती है, ना ही हमें इस पर ऑक्स पोर्ट मिलता है, ना ही हमें इस पर HDMI ARC पोर्ट मिलता है। तो यार अगर आपके पास ऑप्टिकल पोर्ट है तो तभी इस साउंड बार को परचेस करिए, अदरवाइज इस साउंड बार को परचेस करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। सो ये सारी चीजें मैंने आपको मतलब अनबॉक्सिंग वीडियो में ही क्लियर कर दी थी। तो दोस्तों यार आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, क्योंकि दोस्तों यार ये सारे मॉडल हम खुद परचेस करते हैं, हमें कोई स्पॉन्सर नहीं होता है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो जरूर से हम फ्यूचर में इस तरीके से सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए-नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर दोस्तों आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में जानना है, तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। दोस्तों यार इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यार इंस्टाग्राम पर एक बार विजिट जरूर करिए, जाकर देखिए कि यार हमने हिंदी में साउंड टेस्ट डाला है या नहीं डाला है। अगर डाला होगा तो जरूर से हमें वहां पे फॉलो कर लीजिएगा। सर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।